हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रतिभा, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट। गर्दन के दर्द में तकिए का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, और अगर हाँ तो फिर किस तरह का तकिया यूज़ करना चाहिए, उसकी एक्चुअल शेप क्या होनी चाहिए, ये सवाल काफ़ी सर्वाइकल पेशेंट्स का होता है। जब हमें गर्दन में दर्द होता है तो हम तकिए को अलग अलग तरीके से लगाकर ये देखने की कोशिश करते हैं कि तकिए को किस तरह लगाकर दर्द नहीं होगा। काफ़ी पेशेंट्स दर्द से आराम लाने के लिए सिर के नीचे दो तकिया लगाते हैं, कोई कोई एक लगाता है और कोई कोई एक भी नहीं लगाता है, सिर्फ टॉवल को रोल करके गर्दन के नीचे लगा लेते हैं ताकि गर्दन सपोर्टेड रहे। लेकिन कपड़े के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि बार बार करवट लेने पर कपड़ा अपनी जगह से रात को खिसक जाता है। तो रात को सोते समय इस तरह की दिक्कत ना आए, इसके लिए बेस्ट होगा कि आप इस तरह के कंटोर्ड सर्वाइकल पिलो का इस्तेमाल करें। इसमें कंटोर का मतलब तकिए में दी गई इस गोलाई से है जो तकिए में दोनों तरफ दी गई है और बीच में एक डेप्थ है। एक तरफ हाई प्रोफाइल हाइट है और दूसरी तरफ लो प्रोफाइल हाइट है। गर्दन के कंफर्ट के हिसाब से आप कोई भी साइड यूज़ कर सकते हैं। इस पर सोते समय आपकी गर्दन का स्पाइनल कर्व वेल सपोर्टेड रहेगा और आपको बेहतर तरीके से नींद आएगी। स्लीपसिया कंपनी की ये पिलो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मुझे अच्छा रिजल्ट मिला, इसलिए मैंने अपने कुछ पेशेंट्स को भी ये पिलो यूज़ करने के लिए रिकमेंड किया। इसे इस्तेमाल करने के बाद उन्हें भी नेक पेन में काफ़ी रिलीफ मिला, आराम मिला।